अरे नहीं भैया, बुधवार नहीं, मंगलवार। मंगलवार को हमें अपने सारे कपड़े धो के इस्त्री करके हमारे हाथ में चाहिए। बुधवार को तो हम लोग गाँव जा रहे हैं। चुगली। आया समझ में? हाँ चलो ठीक है ठीक है, पहुंचा देना। हाँ बनारस पैकिंग एजेंसी। देखो भैया, ऐसा है कि हमको ना इधर 80 घाट मोहल्ले से अपने गांव जाना है, तो हमें पता करना है कि तकरीबन खर्चा कितना होगा सामान ले जाने का पूरा। हाँ एड्रेस हम दे देंगे, यहाँ का भी और वहाँ का भी ना। हाँ मिल जाएगा। वीडियो बना के दें पूरे सामान का? अच्छा अच्छा ठीक है, बना के भेज देंगे, उसके बाद आइडिया मिल जाएगा ना खर्चा का। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अरे कोई है? जरा चाय वाय तो पिला दो। कहाँ हो बीना? छोटा मुंह बड़ी बात, इसका मतलब है कि हमारा गांव जाना तय है। अब तो एक ही उपाय है, आजमा कर देख लेते हैं। लेकिन कौन सा उपाय? सुनो हाँ, हम लोग पापा के सामने सुधर कर चलते हैं, तो पापा सोचेंगे कि अब जब हमारी बेटियां सुधर ही गई हैं, तो उन्हें गांव ले जाने की क्या जरूरत है। गुड आइडिया। गुड आइडिया। हाँ आइडिया तो गुड है दीदी, लेकिन मारी समझ में यो नहीं आ रहा सर कि मैं पापा को सुधर कर कैसे दिखाऊं। अरे मेरा प्लान तो सुनो। डन। यस। पापा जी चाय। अरे वाह भाई, गांव जाने की खुशखबरी सुनते ही तुम लोग ने तो कमाल का नाश्ता बना दिया है बहुत बढ़िया। लो चाल तो उल्टी पड़ रही है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, आज तो बिना बोले छोटी पढ़ाई करने बैठ गई है। वेरी गुड। क्या खा? अरे ये तो चमत्कार हो गया भाई। नमस्ते बापू। तुम लोगों को यूं सुधरता देखकर हमको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देखो सिर्फ गांव जाने के नाम से तुम लोग इतना सुधर गए हो, तो गांव जाकर कितना सुधरोगे सोचो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बापू यू गांव जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो सकता के? अरे चुप, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या लगता है तुम लोगों को, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? हम तुमको बकलोल दिखाई देते हैं क्या है? देखो हमको अच्छी तरह पता है कि तुम लोग सुधरने का नाटक कर रही हो, लेकिन असलियत में तुम लोग सुधरी नहीं हो, यह हम अच्छी तरह जानते हैं। एक बात कान खोल के सुन लो, हमारा गांव जाना एकदम अटल है, बुधवार को हम लोग गांव जा रहे हैं, ठीक है? बात करते हैं। चलो आयो दादा, अगर तुम्हारे पापा ने एक बार कह दिया कि हम सबको गांव जाके बसना है, तो समझ लो कि बसना है बस। पर मम्मा, अगर आप उन्हें समझाएंगी तो पापा मान जाएंगे। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं हो सकता, वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। पर मम्मी एक बार आप बात तो करके देखिए। हाँ मम्मी प्लीज, कोई तो उपाय निकालिए। देखो बेटा, हम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम लोग जो लोगों को जाने अनजाने में परेशान करती हो ना, उसी से परेशान होकर तुम्हारे पापा ने ये फैसला लिया है। अब तो कोई नहीं बदल सकता इसे। शहर में लोगों को परेशान किया तो बापू ने गांव में शिफ्ट होने का फैसला ले लिया, तो इसका मतलब अगर बनारस वापस आना है तो हमें गांव के लोगों को परेशान करना पड़ेगा। अयो दादा, तुम्हारी कैसी सोच है, क्या बोल रही हो तुम? मम्मी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, अरे बनारस में वापस आने का यही एक तरीका से है। नहीं और कोई उपाय बाकी नहीं, उनका फैसला कोई नहीं बदल सकता। हमारी वजह से पापा को हमेशा सिर्फ शिकायत ही सुनने को मिली है, पर अगर हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनकी समाज में तारीफ हो या उनका नाम रोशन हो, तो वो हमें जरूर माफ कर देंगे। हाँ दीदी,
यही एक आखिरी मौका सा है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हम लोग कुछ अच्छा काम कर डालते हैं। पर करना कैसे ये तो मुझे नहीं पता। आ गया, कौन आ गया? अरे आइडिया आ गया। हम लोग दो टीम बनाकर काम करेंगे, जिससे हम लोग डबल अच्छा काम करेंगे और पापा की समाज में डबल तारीफ होगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन करना क्या है? सुनो, पहले हम दो दो टीम बनाएंगे, उसके बाद हम मोहल्ले में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ढूंढेंगे जिसे हम सॉल्व कर पापा का नाम रोशन कर सकें। ग्रेट आइडिया। बापू ने इसके बावजूद भी गांव जाने का फैसला बदला नहीं तो? तो क्या हुआ, सिर्फ 3 महीने की तो बात है, पलक झपकते 3 महीने बीत जाएंगे और बनारस वाली बातें गांव में कहां मिलेंगी। देखेगा 3 महीनों में पापा को भी बनारस की याद आने लगेगी और हम सब वापस यहाँ। छोटी, मारे को भी ऐसा ही लागे से। लेकिन दीदी, बापू को इम्प्रेस करने का जो आखिरी मौका सर ना, उसे हम सबको जरूर आजमाना चाहिए। हाँ, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं और राधिका एक टीम में रहेंगे और छोटी तुम, काजल और स्वीटी दूसरी टीम में। मैं तो छोटी हूँ, किसी भी टीम में एडजस्ट हो सकती हूँ। चलो जाओ, अब जल्दी से जाकर ये प्लान स्वीटी और राधिका को बता दो। ओके दीदी। अटेंशन सर, होने की कोई जरूरत नहीं है आनंद, क्योंकि ना तो आज से तुम मेरे स्टाफ रहे ना मैं तुम्हारा बॉस रहा, क्योंकि अभी अभी तुम अपना रेजिग्नेशन मुझे दे चुके हो। सर आप तो जानते हैं कि किन कारणों की वजह से हमको ये नौकरी छोड़कर, बनारस छोड़कर अपने गांव जाना पड़ रहा है सर, और आप जैसा बॉस कहां मिलता है? यही मिलता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आनंद कि आज के बाद मैं अटेंशन किसे कहूंगा। ऑफिस में और बहुत स्टाफ है सर। नहीं आनंद, जिन लोगों को मैं टेंशन समझता हूं उनसे मैं अटेंशन की उम्मीद नहीं रखता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये गांव जाने और अपनी नौकरी छोड़ने के विचार पर फिर से पुनर्विचार करो। सर हम भी ये नौकरी छोड़कर गांव नहीं जाना चाहते सर, लेकिन क्या करें सर, अपनी बेटियों को अपने संस्कारों की सीख देने के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए हमारा गांव जाना बहुत जरूरी हो गया है सर। आपका फोन बज रहा है सर। अटेंशन। ओ, फिर से बुलवा दिया आनंद, ये तुम्हारा फोन है। सॉरी सर। हेलो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम धन्यवाद के लिए कॉल नहीं किए हैं, बल्कि ये बताने के लिए कॉल किए हैं कि हम इंस्पेक्टर चौबे बोल रहे हैं। आपके घर से बोल रहे हैं। है? हमने अभी तक घर खाली भी नहीं किया और पुलिस वालों ने हमारे घर को रेंट पे लेके पुलिस स्टेशन बना लिया। कानून से मजाक नहीं, कान खोल के सुन लीजिए। मथुरा दास गारमेंट्स के मालिक मथुरा दास ने आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है कि आपने उनके गोदाम से 50 कंबल चुराए हैं। हाँ? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब? कोई गलतफहमी नहीं हुई, अभी अभी हमको आपके घर पर पता चला है कि आप लोग गांव शिफ्ट करने की तैयारी में हैं। मतलब ये कि 50 कंबल चुराने के बाद आप गांव जाकर कंबल ओढ़कर घी पीना चाहते हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? अरे 50 कंबल चुराना तो बहुत दूर की बात है, हमने पिछले 5 सालों में 1 कंबल तक नहीं खरीदा। एक भी नहीं खरीद पाए ना, इसलिए 50 चुरा लिए। अब जल्दी से अपने घर आ जाइए, अभी समझा देते हैं आपको। अरे क्या हुआ आनंद, तुम क्यों टेंशन में आ गए? सर एक कंबल कहता है कि हमने 50 इंस्पेक्टर चुरा लिए। व्हाट? उल्टा बोल गए, हमारा मतलब है एक इंस्पेक्टर ये कह रहा है कि हमने 50 कंबल चुरा लिए। लेकिन तुम्हारे घर में तो टोटल 7 लोग हैं, तो फिर तुम 50 कंबल का क्या करोगे? ओढ़ के घी पिएंगे। ऐसा वो इंस्पेक्टर कह रहा है सर? देखिए सर, हमको लगता है कि हमको तुरंत घर जाना पड़ेगा।
हम चलते हैं सर। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आपकी बेटी मीनाक्षी और राधिका ने गोल चौक के पीछे वाली झोपड़पट्टी में 50 कंबल बंटवाए हैं। वो सभी कंबल चोरी के हैं। क्या? हाँ? मीनाक्षी बेटा, हम ये क्या सुन रहे हैं? सच सच बताओ बेटा, माजरा क्या? ये क्या बोल रहे हैं? दरअसल मैं और राधिका जब मार्केट से आ रहे थे, तब हमने रास्ते में देखा कि समझ नहीं आ रहा है, ऐसा क्या किया जाए जिससे पापा की मोहल्ले में वाहवाही हो। तबाही होगी, तबाही क्यों होगी? फिर मशीन गड़बड़ हो गई। तबाही नहीं, पापा की मोहल्ले में वाहवाही। सर्दियों में कंबल की लूट है, लूट सके तो लूट, वरना ठंड में अकड़ के हड्डी जाएगी टूट। ले लो 500 के कंबल 100 में, 500 का कंबल 100 में। भैया भैया भैया, एक मिनट रुकना। मीनाक्षी दीदी, ये इतने सस्ते कंबल बेच रहा है? वही तो आइडिया। क्यों ना हम ऐसा करें कि इससे 50 कंबल खरीद ले और पापा के नाम से झोपड़पट्टी में बंटवा दे। बहुत ही अच्छा आइडिया मीनाक्षी दीदी, इतनी ठंड में गरीबों को कंबल भी मिल जाएंगे और रातों रात पापा अपने एरिया में पॉपुलर भी हो जाएंगे। पापा हमसे खुश हो जाएंगे। भैया जी, ये लीजिए 5,000 रुपए, पूरे 50 कंबल दे दीजिए। आज सुबह ही ये सारे कंबल मथुरा दास गारमेंट से चोरी हुए थे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटियों ने जो कंबल बंटवाए हैं वो चोरी के ही हैं, ये आपको कैसे पता? हाँ, इन दोनों लड़कियों ने जिस झोपड़पट्टी में कंबल बंटवाए हैं वहाँ मथुरा दास गारमेंट्स का एक नौकर भी रहता है। उस नौकर ने अपनी दुकान के कंबल पहचान लिए और मथुरा दास को बता दिया ये कंबल आनंद माथुर के नाम से बांटे गए हैं। हाँ दीदी, आप चोरी के कंबल बेचते हो? लेकिन इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटियों ने कंबल खरीदे हैं, उन्होंने चोरी थोड़ी ना की है। हाँ, अनजाने में ही सही, इन्होंने चोरी के कंबल खरीदे हैं और चोरी का सामान खरीदना कानूनन अपराध बनता है आनंद माथुर। और चूंकि ये कंबल आपके नाम से बांटे गए हैं, इसलिए आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या, माने के हमारे एजी ओजी को जेल जाना होगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस मैटर से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है? है, इसके सिर्फ दो ही उपाय हैं। या तो आप 50 कंबलों की कीमत यानी 25,000 रुपए सेठ मथुरा दास को दे दीजिए। 25,000? या फिर उस चोर को सामने लाकर खुद को बेकसूर साबित कर दीजिए। हाँ, ये तो हो सकता है। हाँ मीनाक्षी, पर इंस्पेक्टर साहब, हम उसका चेहरा कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जब वो कंबल बेच रहा था तब उसका चेहरा बंदर टोपी से ढका हुआ था। मंकी कैप। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे साथ बाहर चलिए घूमने के लिए। हम कानून को घुमाने वालों में से नहीं है इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एटीएम ले चल रहे हैं ताकि हम आपको 50 कंबल की पेमेंट कर सके। हम ये मैटर बिल्कुल नहीं खींच सकते, हमको अपने गांव वापस जाना है। चलिए चलिए। मतलब गांव जाना अब करीब और करीब। पापा को वाहवाही दिलाने निकले थे, जेल भेजने का इंतजाम करके आ गए। हाँ, अगर आज पापा के एटीएम में पैसे नहीं होते ना, तो वो जेल की हवा खा रहे होते। मम्मी, मम्मी, मम्मी! हम लोग ऐसा काम करके आए हैं जिससे देखना कल सुबह तक पापू का नाम रोशन हो जाएगा। आई हो दादा, अब ऐसा कौन सा काम करके आई हो तुम लोग? अरे मम्मी, हम लोगों ने ना मंदिर में प्रसाद बांटने का संकल्प लिया से, और मन्ने बिना पंडित जी से कह दिया से कि कल सुबह का प्रसाद हम लोगों के घर से जावेगा। देखना, इस दान पुण्य के काम से बापू एकदम खुश हो जावेंगे। हाँ, और हो सकता है अगर भगवान ने थोड़ी सी ज्यादा सुन ली तो क्या पता मेरी शादी करने लायक एक लड़का ही मिल जाए। अरे चुप करो तुम लोग, अभी हमें तुम्हारे पापा एक मुसीबत से पीछा छुड़ाए हैं 25,000 कंबल के भर के। कान खोल कर सुन लो, कोई भी अब नई मुसीबत नहीं खड़ी करोगे तुम लोग। अरे मीनाक्षी, अरे गाजल, छोटी बीना, अरे, और दूसरी बात, कोई भी पापा के सामने नहीं जाएगा, ये बैठो चुपचाप अपने कमरे में, हम देख कर आते हैं क्या बात है। कहाँ है साहब? अरे काहे इतना गुस्से में आप हैं?
शांत हो जाइए। कहाँ हैं लड़कियाँ, कहाँ हैं? देखिए राधिका और मीनाक्षी से जो कुछ भी हुआ ना अनजाने में हुआ। अरे मानते हैं कि वो चोरी का कंबल खरीद कर उन्होंने जुर्म किया, लेकिन आप सोचिए तो उनका उद्देश्य कितना अच्छा था। अरे गरीबों में कंबल बांटकर उन्होंने परोपकार करने का ही सोचा ना। अरे मालूम है, इसलिए तो अभी तक हम चुप थे। अभी अभी तो गर्म पानी की तरह उबाल मार रहे थे आप। अरे वो हम किसी और बात के लिए उबल रहे थे। अयोध्या, आप दूसरी कौन सी बात के लिए उबल रहे थे आप? यहाँ पर ऐसी बातों का कोई अंत है क्या? अयोध्या, अरे साफ साफ कहे नहीं बताते आप कि क्या हुआ? नहीं बताएंगे, तुमको अकेले में नहीं बताएंगे, सबको साथ में कहेंगे। कहाँ है लड़कियाँ? अपने कमरे में। अभी देखो। अरे जी सुनिए ना, अरे हमको बताइए ना क्या बात है। अरे गुस्सा मत होइएगा, ठीक है? अरे जी सुनिए जी, अरे दो बातों का हमको यकीन हो गया। एक, तुम लोग हमको बेवकूफ समझती हो, और दूसरी बात, तुम लोग जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी मुश्किल पैदा करना चाहती हो जिसमें हम उलझ जाएं और किसी भी तरह तुम लोगों को गांव नहीं लेके जा सके। करेक्ट? पर पापा, हमने जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं किया। हम तो बस एक अच्छा काम करने जा रहे थे जो गलती से गलत हो गया। तो आप ही बताइए अब इसमें हमारा क्या कसूर? तुम लोग और अच्छा काम करने जा रहे थे। अरे गलती से भी तुम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। किया है ना डैडी, आपकी बेटी बनकर पैदा जो है, अब ये किसी अच्छे काम से कम है क्या? बताइए। हाँ, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा काम है, जरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुनो। तुम क्या हंस रही हो? तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, ये सिर्फ बातें बनाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अयोध्या, आपसे कह देते हैं, हमारी बेटियों की हमेशा शिकायत लगाते रहते हो ना, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या करें, तुम्हारी बच्चियों को हार पहनाएं फूलों का। यहाँ सिर्फ मीनाक्षी और राधिका ने ही 25,000 का नुकसान नहीं किया है चोरी के कंबल बांटकर। ये छोटी, इसने भी हमारे पड़ोसी सक्सेना साहब की दहलीज में पड़े हुए 25 बोरियां सीमेंट की उसमें पानी फेर कर उन्हें पत्थर बना दिया है। पर पापा, मैंने जब देखा कि सक्सेना अंकल की छत पर गमलों के पौधों में बहुत दिनों से पानी नहीं डाला था, तो मैंने पानी डाल दिया। अब उसमें मेरी क्या गलती है? नहीं नहीं नहीं, गलत काम तो कुछ भी नहीं किया है तुमने। सूखे पौधों पर पानी डालना बहुत अच्छा काम है, लेकिन पाइप से पानी डालने के बाद वो रनिंग वाटर की पाइप वहीं पर छोड़कर जाना गलत काम है। वो गमले, उनके अंदर पानी भर गया, उसके बाद पानी ओवरफ्लो होकर नीचे गिरा, और गिरा किसके ऊपर? 25 सीमेंट की बोरियों के ऊपर जो पत्थर बन गई हैं। अयोध्या छोटी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो बस यहाँ पे अयोध्या अयोध्या करती रहो और तुम्हारी बेटियां हमको चूना लगाती रहे। अरे वो 25 बोरियों का पैसा भी हमको ही भरना पड़ेगा। अयोध्या छोटी, तुमसे इतने बड़े नुकसान की उम्मीद नहीं थी हमको। नुकसान अभी यही खत्म नहीं हुआ है, अभी और नुकसान बाकी है। क्या? क्या मेरी शादी के लिए किसी लड़के वाले ने मना कर दिया? चुप रहो। ये स्वीटी और काजल ने भी हमको फंसाने में कोई कमी नहीं की है, मंदिर में प्रसाद देने का वादा करके। बाबू, तो इसमें फंसाने वाली कौन सी बात से? हमने तो सिर्फ मंदिर में प्रसाद बांटने का वादा किया था, वो भी आपके नाम से। हमने सोचा कि दान पुण्य से आप बहुत खुश होंगे। हम तो बहुत खुश हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कल ही का दिन हमारे पास है सारे सामान की पैकिंग करने के लिए, और अगर हम उस दिन सारा प्रसाद ही तैयार करते रहेंगे तो पैकिंग कब करेंगे? तुम यही चाहती थी कि हम लोग पैकिंग ना करें और फिर अगले दिन हम गांव जा ही ना सकें, करेक्ट? नहीं बापू, नहीं। पर हमको बस इतना लगा कि 40-50 लोगों के लिए हलवा पूड़ी बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी सा है। बेटा तुम जीरो लगाना भूल गई हो शायद। जीरो? 40-50 नहीं, 400-500 लोगों का प्रसाद बनाना है। 400-500? हाँ। कल बड़ा मंगल है और मंदिर में कम से कम 500 लोग आएंगे प्रसाद खाने के लिए। अब बताओ, ठीक है? मंदिर में खड़े होकर तुम लोगों ने जुबान दी है कि हम 500 लोगों का प्रसाद बनाएंगे तो तुम्हारा ये बाप आनंद माथुर पीछे नहीं हटेगा। लेकिन याद रहे, तुम लोगों को 2 दिन के बाद गांव ले जाने से भी तुम्हारा ये बाप आनंद माथुर
पीछे नहीं हटेगा। हाँ ये तय रहा कि दो दिन के बाद हम लोग बनारस छोड़ के गांव चले जाएंगे। हाँ।